रेडी। सो गाइस, ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में बोल रहा है कि एपी है, मतलब ये जो प्रोग्रेशन है वो एपी का प्रोग्रेशन है। आपको बीच के बॉक्सेस को फिल करना है। ये लोग एपी के प्रोग्रेशन है, आपको बीच के बॉक्सेस को फिल करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको, हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल ए एन के फॉर्मूला से कर सकते हैं, बराबर है, और कुछ लॉजिक भी है। तो सबसे पहले बात समझो भाई, अगर ये लोग एपी हैं और इसको मैं एक्स मान लूँ, बराबर है, तो इन दोनों के बीच का जो टर्म होगा, इन दोनों एपी के बीच का जो टर्म होगा, ये इनके मीन वैल्यू को इक्वल होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 26 + 2 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू 26 + 2 डिवाइड बाय, यानी 28 बाय कितना हो गया? कौन सा? अरे मीन, मीन वैल्यू भाई, मीन मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज। बराबर है। वो डॉबिनियस ट्राइड फाइंड किया, दी वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म मिडिल टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मीन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड। तो ये मीन है, तो मीन निकाला, ये फर्स्ट को थर्ड को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो इनका जो मीन का वैल्यू होगा वही 14 होगा। अब देख लो, अगर ये 14 आ रहा है इधर, तो 14 - 2 12 आ रहा है, डिफरेंस 12। अच्छा, 26 - 14 12, समझ में आया क्या? तो इस तरह से कर सकते हैं, एक ये तरीका हो गया, बराबर है। अब लॉजिक के हिसाब से कैसे कर ले हम लोग इसको, लॉजिक के हिसाब से इस बात को कैसे कर ले हम लोग, तो यहाँ पर देखो, सॉरी ये तो लॉजिकल हो गया। अब फॉर्मूला से कैसे कर ले, तो आपको देखो ना, ये एपी का ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये आपके पास थर्ड टर्म है गाइज, आपके पास थर्ड टर्म है। तो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस, बोलो क्या होगा थर्ड टर्म, क्या होता है, ए प्लस 2D। पहले ही बताया था कि उसको याद कर लो, यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। अभी थर्ड टर्म है ना एपी का आपका, देखो तो ये 26 है। अरे आपको फर्स्ट फर्स्ट टर्म भी है, 2 है, और ये 2D। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर ले इधर, ये 2 को लागे, तो ये 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D। अब इसे डिवाइड कर दें, तो 24 / 2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो डी क्या हो गया, 12। अबे 12 12 डी 12 हो गया। अरे यस सर नो, तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए टू क्या होगा सेकंड टर्म, अरे फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और डिफरेंस क्या है 12, कितना हो गया 14। तो कौन सा पसंद आ रहा है इसमें से, जो तरीका पसंद है उसे कर लो भाई, बराबर है। आपको फॉर्मूला से बता दिया, लॉजिकल बता दिया, दोनों बता दिया, क्लियर हो गया चीज़। तो अभी देखो, अभी इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है क्या, सेकंड टर्म है क्या, थर्ड टर्म है क्या, फोर्थ टर्म है क्या? हाँ, सेकंड और फोर्थ को लोगों को थर्ड मिल जाएगा। तो मान लो इसको एक्स मान लिया, सो दिस एक्स विल बी इक्वल टू 13 + 3 डिवाइड बाय 16 बाय कितना जाएगा बच्चा, 8। तो ये वाला वैल्यू आपका क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 आ गया, अब दिमाग लगाओ, यस, अब डिफरेंस फाइंड कर सकते हो आप। तो डिफरेंस जो है बच भाई, जो डिफरेंस है ये 8 - 13 कर लो, 8 - ये कितना आ गया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दिया, -5 है। अरे बराबर है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, अबे प्लस नहीं करना पड़ेगा यार, नहीं सर, आई सर, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है आपको, बराबर है। तो आप सेकेंड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए टू क्या होगा, ए प्लस डी होता है, ए टू सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, बराबर है। ए टू कितना है, 13, ए कितना है पता नहीं, डी कितना है, -5 इधर आया, तो 18 = a, तो ये आपका आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं समझा? अरे समझ में आ रहा है क्या, पक्का? इसको लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इन कंसेप्ट को हम लोग लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बराबर है। और वहाँ तक ले नहीं जाना चाहता, आप होपफुली वो समझ रहे हैं, लॉजिकल कनेक्शन समझ रहे हैं ना आपको, हाँ बस चलो चले आगे बढ़े इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम एंड फोर्थ सम दिख रहा है आपको, एपी दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड नहीं है, फोर्थ है, बराबर है। तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, ए फोर्थ, ए प्लस क्या होगा,
ए प्लस थ्री डी होगा कि नहीं होगा, ए फोर है ना आपके पास, हाँ लेकिन प्रॉब्लम है किसमें, तो दिस कैन बी रिटन एज 18 प्लस वन 19 अपॉन टू, टू नाइन से 18, 18 प्लस वन 19, 19 बाय टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है गाइस। तो ये आ जाएगा 19 बाय टू इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या होगा आपका 5, फर्स्ट टर्म इज द ए और ये प्लस थ्री डी, अब 5 को इधर ले लोगे आप, तो 19 बाय टू माइनस 5 बाय वन इज इक्वल टू 3 डी, नीचे वो सेम नहीं था ना, इसके लिए 5 बाय वन ले लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 19 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 डी, 19 माइनस 10 9 बाय 2 इज इक्वल टू 3 डी, करेक्ट है गाइज। अब देखो ये 3 नीचे आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाय 6 इज इक्वल टू डी, और कट करोगे 3 से, तो 3 गोज 3 टाइम 3 गोज, तो 3 बाय 2 इज इक्वल टू, तो क्या आपको डिफरेंस मिल गया, आपको डिफरेंस मिल गया। अब डिफरेंस मिल गया तो कोई भी टर्म देखो, जब फर्स्ट टर्म है आपके पास, पहला टर्म है आपके पास और आपको डिफरेंस मिल गया, तो आप एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, आपको पहला टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए, आप एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, एनी टर्म यू कैन फाइंड, बराबर है। अब ये कौन सा टर्म फाइंड करना है बच्चा, सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो, सेकंड टर्म क्या होगा ए टू ए प्लस वन डी दैट इज डी, तो फर्स्ट टर्म में 5 प्लस 3 बाई टू, तो ये हो जाएगा 10 थ्री 13 बाय 2, अरे समझे क्या बच्चों, ओके और ये थर्ड टर्म है तो ए थ्री हो जाएगा ए प्लस टू डी, चलेगा ये, ए का वैल्यू क्या है आपका 5 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है 3 बाय 2, देखो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 कैंसिल, ये 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, बराबर है, कोई डाउट पक्का, ओके। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जो ए थ्री होगा ये ए टू प्लस डी भी तो होगा, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस, ए थ्री जो होगा वो सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस भी तो होगा, ये भी फॉर्मूला है, ए थ्री जो होगा वो सेकेंड टर्म प्लस द डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म क्या आपका आपके पास 13 बाय 2 और डिफरेंस क्या आपके पास 3 बाय 2, दोनों बेस नीचे सेम है तो ऊपर का ऐड कर दिया 16 बाय 2, कितना आ गया आंसर 8, तो इस तरह से कर सकते। तो देयर आर मेनी वेज, आपको जो रास्ता अच्छा लग रहा है उसे करो। चलो यहाँ पर भी बढ़े आगे हम लोग, देखो भाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म, छठवा टर्म अपने पास है, वी आर हैविंग द सिक्स्थ टर्म, तो क्या यूज करेंगे ए सिक्स इक्वल्स टू ए प्लस 5d, इस्तेमाल कर लिया इसको, ए सिक्स कितना है 6 है इज इक्वल टू ए कितना है माइनस 4 और प्लस 5, इसको इधर ले लिया तो 10 इज इक्वल टू 5d, 5 को डिवाइड कर दिया तो 2 इज इक्वल टू डी, अरे डी मिल गया क्या भाई, आपके पास ए है आपके पास डी आ गया, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो चलो फाइंड करते हैं पहले ए टू को, तो ए टू होगा ए प्लस डी यानी माइनस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2। फिर ए थ्री क्या होगा आपका, ए थ्री क्या होगा, देखो बच्चों ए टू ए थ्री ये वाला ना, ये होगा ए टू प्लस डी, तो ए टू क्या होगा ए टू प्लस डी यानी कि माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0, ये 0 आ गया, अरे बराबर है। उसके बाद डी कितना 2 आया ना, अब इसमें और दो ऐड कर दो तो ये 2 और इसमें दो ऐड कर दिया थे 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, ओके गाइस। यहाँ पर देख लो आप लोग, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं दिया है और लास्ट वाला सिक्स्थ टर्म नहीं दिया है, बराबर, तो क्या यूज करोगे आप, चलो वेरी गुड, आप कहोगे कि ए सिक्स जो होगा ए प्लस 5d हो जाएगा, शाबाश, तो आपका माइनस 22 जो होगा वो ए ए तो है नहीं आपके पास और प्लस 5d भी तो नहीं है, नहीं। है कि नहीं है नहीं। बच्चों फिर क्या करो मालूम है, इसको आप बोल दो इक्वेशन 1, क्या बोल दो, समझ में आया क्या, और कौन सा टर्म है आपके पास गाइस, ए टू भी है, शाबाश, तो उसको भी इस्तेमाल कर लेते, ए टू क्या होता है ए प्लस डी होता है, ए टू कितना है 38 इक्वल्स टू ए तो है नहीं और प्लस डी, इसको बोल दो इक्वेशन, अब इक्वेशन 1 और 2 देखो,
आपको लीनियर इक्वेशन याद आया? आपको लीनियर इक्वेशन याद आया? कौन सा वेरिएबल सेम है? ए सेम है, तो एक काम कर दो, किसी में से भी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में से भी एक को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो एक काम करते सेकंड में से फर्स्ट को उड़ा देते, तो सेकंड माइनस वन कर दो, सेकंड माइनस सेकंड क्या आपका 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये सेकंड है, और फर्स्ट क्या आपका माइनस 22 इक्वल्स टू ए प्लस 5d, ये आपका फर्स्ट है। इसको सेकंड वाले फर्स्ट वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो इसका साइन पहले क्या था? हाँ, इसका सारे साइन क्या हो जाएंगे? तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये सॉरी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों ऐड हुआ तो कितना हो गया बच्चा? 60, ये 60 हो गया, इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और डी माइनस 5d माइनस 4d ना, माइनस अब डी माइनस 4 नीचे आएगा, तो 60 अपॉन माइनस 4, माइनस 4 का जो माइनस था ऊपर चले गया, और इक्वल्स टू ये डी हो गया। अच्छा, कितना 1 जा एन 15 जा, तो डी इक्वल्स टू, देखो डी मिल गया आपको, आपको डी मिल गया, ये सुनो गाइस, किसी में भी एक को इक्वेट कर लेते, तो यहाँ से अगर दूसरे में डाला हमने 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, 38 इज इक्वल टू ए माइनस 15, क्योंकि डी का वैल्यू है माइनस 15, माइनस 15 इधर आया तो 38 प्लस 15 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ऐड कर दो कितना हो गया बच्चों 53 इक्वल्स टू ए, ये मिल गया आपको ए का वैल्यू, डेट इज 53। आगे समझ में? अब क्या करो, कैसे फाइंड करोगे इसको? हाँ, ऐड कर दो, क्या डी का वैल्यू क्या है? माइनस 15 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना भाई, तो 38 माइनस 15 कितना हो जाएगा? शोर बल बराबर बोला 20, और 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस 7, और माइनस 7 माइनस 15 दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस 22। समझ में आया क्या? सो दिस इज हाउ वी गॉट ऑल द रेस्ट आंसर्स। तो अगर ए का वैल्यू नहीं होगा, ए का वैल्यू होगा तो सम फटाफट हो जाता है, ए का वैल्यू नहीं होगा तो लीनियर इक्वेशन बन रहे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद डी फाइंड करेंगे, डी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ए फाइंड कर लेंगे, और जब ए मिल जाएगा डी मिल जाएगा, तो कोई भी टर्म मिल सकता है। समझ में आया क्या?